ने राहत कार्य में पुलिस प्रशासन की मदद नहीं की और पुलिस के मुताबिक देव प्रकाश मधुकर ने कार्यक्रम की अनुमति ली थी। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है और पूरे मामले को लेकर एक स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है। वो टीम भी जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरे मामले को लेकर गंभीरता से एक्शन ले रहा है। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हादसा है या साजिश, इसकी जांच की जा रही है और पुलिस ने अभी तक पूरे मामले को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सेवादारों ने पुलिस का सहयोग नहीं किया है। अभी तक की जांच में यह भी निकलकर सामने आया और साथ ही जो मुख्य आयोजक है उस पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और 3 दिनों से ये जांच जारी है, जिसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है और अब पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम मुख्य आयोजक पर रख दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही है जिस पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा है। ये मुख्य आयोजक है प्रवचन का और जितनी क्षमता थी उससे 3 गुना ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं किए। अब प्रशासन की तरफ से भी एक एंगल निकलकर सामने आया है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि सहयोग नहीं किया गया था सेवादारों की तरफ से और हाथरस हादसे में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है ये लापरवाही है या साजिश है, इसकी भी जांच की जाएगी। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही व्यक्ति है। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब भगदड़ मची थी, बाबा का काफिला वहां से गुजर रहा था और चरण छूने की परमिशन दी गई, जिसके बाद में बड़ी संख्या में लोग गाड़ी के पीछे भाग के, जिस दौरान यह हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यह उस दौरान की है जब प्रवचन चल रहे थे और बाबा फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ये उन परिजनों की तस्वीरें हैं जहां मातम पसरा हुआ है। हाथरस के बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा अलग अलग राज्य के लोग भी इनमें शामिल हैं। नारायण हरि पर पुलिस के बड़े आरोप। सेवादारों ने पुलिस को व्यवस्था नहीं संभालने की संभालने दी, ये भी एक एंगल निकलकर सामने आया है। भगदड़ के बाद में सेवादार मौके से भागे और सेवादारों और आयोजकों की भूमिका की बिछा चुकी और सेवादार की व्यवस्था संभाले हुए थे। घटना में आयोजकों की बड़ी गलती सामने आई है जिसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। तो घटना में आयोजक जिनकी लापरवाही निकलकर सामने आई है, बड़ी गलती रही कि जितने लोग वहां पर पहुंचे उस हिसाब से इंतजाम नहीं किए गए थे, व्यवस्था नहीं की गई थी। तो घटना में आयोजकों की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। अब ये 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये जो आर्मी आपको नजर आ रही होगी, ये आर्मी महिलाओं की, ये बाबा की पर्सनल महिला सेना है। दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं, ये जांच टीम की तस्वीरें जो कि मौके पर पहुंची और अब हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी क्योंकि शुरुआत में ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि जिन लोगों की मौत हुई थी उनका सामान पास में खेतों में फेंका गया था, जिससे कि एविडेंस छुपाने की कोशिश की गई थी और ये आरोप लगा था बाबा के सेवादारों पर। अब वहीं पर टीम पहुंची और कई सारे एविडेंस टीम के हाथ भी लगे। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा का आश्रम है जहां पर बाबा छुपा हुआ है। न्यूज 18 की टीम भी यहां पर पहुंची थी, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि बाबा के खिलाफ अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही टीम ये डिसाइड कर लेगी कि बाबा के अगेंस्ट FIR होगी या फिर नहीं होगी। फिलहाल बाबा इसी आश्रम में छिपा हुआ है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में ADG जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु
और जोन स्तर के ऊपर भी एक SOG टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी SOG टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदरा राव थाना इनकी गिरफ्तारी की गई है, मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदरा राव इनकी गिरफ्तारी की गई है, मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह ये थाना सिकंदरा राव के हैं इनकी गिरफ्तारी की गई है, मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचोरा थाना सिकंदरा राव 40 वर्ष इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदरा राव से की गई है। हाथरस में भगदड़ कैसे मची और 121 लोगों की जान कैसे गई, इसे लेकर अभी भी जांच हो रही है। इस बीच बाबा सूरजपाल से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। अब तक पता चला है कि पूरे यूपी में बाबा के करीब 25 आश्रम हैं और हर आश्रम में बाबा के सेवादारों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन हादसे के बाद से बाबा गायब है और अभी तक वो सामने नहीं आया। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है और इसी बीच भगदड़ से पहले का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है, जबकि इस बाबा के सत्संग का पेपर माफिया से भी कनेक्शन सामने आया है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, आपको नए वीडियो के साथ साथ वो पुराने वीडियोस भी दिखा रहे हैं जो कि इस घटना से जुड़े हुए सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल जा सकते हैं हाथरस। हाथरस हादसे में घायलों और साथ ही पीड़ित लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। इससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और पीड़ितों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी। जो लोग घायल हुए थे उनसे भी वो हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अब जानकारी ये कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल हाथरस जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे।